नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाली लड़कियों और महिलाओं से लगातार बातचीत के थ्रू आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डेरे से जुड़ी जानकारी, गुरुजी से जुड़ी जानकारी, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं गुरुजी पे, उनके बारे में क्या सच है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनके जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो शास्त्री नामची गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे जानेंगे कि मतलब किस तरह का माहौल है स्कूल का और मतलब डेरे का किस तरह का माहौल है। नमस्कार मैम, आपका नाम? गुरप्रीत कौर इंसा। मैम कितने समय से डेरे से जुड़े हैं? सन हो गए जी 30 साल हो गए। 30 साल बहुत लंबे समय है, मतलब आप इतने लंबे समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मतलब यहाँ का माहौल किस तरह का। बहुत ही अच्छा है, कितने का भी है जी जो माहौल डेरे का। मैम महिलाएँ और लड़कियाँ कितनी सुरक्षित है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बहुत कोई फिक्र ही नहीं माँ बाप को, साढ़े बच्चे हॉस्टल पढ़ते हैं। शास्त्री नामची गर्ल्स स्कूल की आपने बोला कि वहाँ पे आपकी बेटी पढ़ रही है, तो मैम दोनों बेटियाँ आपकी वहाँ पढ़ रही हैं, तो मतलब वहाँ पे कितनी सेफ्टी है गर्ल्स की, जो हॉस्टल है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा सेफ्टी है जी, सब तक कोई टेंशन ही नहीं। मैम मतलब जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, तो मतलब क्या उसमें लगता है आपको सच्चाई? नहीं, बहुत मीडिया गलत बोल रहा है, इतना अगर कितने देखे ही नहीं बहुत जुड़ी हुई साढ़े में सारे बुढ़िया जुड़िया। आपने शास्त्री नामची गर्ल्स स्कूल को चुना, मतलब अपनी बेटियों को स्कूल में डाला है, तो मतलब कि कोई तो रीज़न रहा होगा आपने यहाँ पे मतलब क्यों भेजा? इतने भी बेटियों की बड़ी सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा संस्कार भी बहुत मिलते हैं। मैम गुरुजी की बात करूं तो मतलब अगर मैं बात करूं कि गुरुजी ने कौन कौन से मानवता भलाई के कार्य चलाए? बहुत ज़्यादा कार्य, बहुत बस इन्हें तो कोई करा ही नहीं सकता जिन्हें गुरु जी ने कराया। कौन कौन से कार्य शामिल है मैम उसमें? असं सारे चीज़ शामिल हैं। गुरु जी ने कौन कौन से दिसे? जो भी होगा जिते भी कितने जाना, जा सफाई लैन पर जाना, जा पर मतलब कि परमार्थ पर जाना, किसी को बीमार का इलाज करवाना, भी भुखे को रोटी खवानी, प्या पानी पाना, सब कार्य करते हैं असं। मैम अज के समाज को देख के हम की लगता है, किन्नी जरूरत है समाज को गुरु जी की? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर समाज गुरु जी आ जाते हैं तो किस तरह के बदलाव आ सकते हैं समाज? बहुत ज़्यादा। मैम जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं गुरु जी पर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, 100% गलत है। ऐसे गुरु तो किसी को मिलने ही नहीं, बहुत ही अच्छे है। केड़ी धर्म जाते लोग मैडम आते हैं? सारे चारे धर्म सारे। सरकार तो की अपील करना चाहोगे? हाँ जी सरकार से अपील करना चाहवागे जी, उन्होंने बस सुरक्षा तौर पर बढ़िया बारह जन साढ़े गुरु जी साढ़े बारह जन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि शास्त्री नामची गर्ल्स स्कूल को जो है इन्होंने चुना क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी जो है मतलब बहुत सेफ्टी है, संस्कार जो है बच्चों को बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कूल काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मीडिया में इसके अपोजिट दिखाया जा रहा है वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगातार लोग हमसे जुड़ते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देखा जैसा कि टीवी में दिखाया जा रहा है, और जो इल्ज़ाम गुरु जी पे लगाए जा रहे हैं लगातार लोग हमसे जुड़ के यही कहते हैं कि वो इल्ज़ाम गलत है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।